ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 9 सितंबर के लिए तीन इंटरेस्ट स्टॉक्स को लेकर। तो पहले बात तो ये है दोस्तों कि यहां पर टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया है। ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों के साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहता है इसके अंदर, तो इसको आप ऐड हो जाइए। यहाँ पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट ओपन होने से पहले मैं शेयर करता हूँ किस तरह से एशियन मार्केट, हम लोगों का मार्केट किस तरह से ओपन होने को जा रहा है। जब मैं लाइव करता हूँ उसका लिंक शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहाँ पर भेजा जाता है, तो आप लोगों को ऊपर होना जरूरी है ताकि आप लोग के साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहे। और उसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट में जाइए, वहाँ पर देखिए टेलीग्राम चैनल लिंक बोल के लिखा हुआ है, उसके पास में एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर ऐड हो जाइए। चल पड़ते वीडियो के ऊपर। और ये बाजार इनसाइट चैनल के अंदर मैं डेली बेसिस आप लोगों को नेक्स्ट डे के लिए तीन स्टॉक देता हूँ, वीकेंड में एक वीडियो डालता हूँ जहाँ पर तीन ब्रेकआउट स्टॉक दिया जाते हैं, लाइव करता हूँ सारे चीज़ें, एनालिसिस करता हूँ लाइव मार्केट में आके। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए इस सारी चीज़ें पाने के लिए, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर। और कल के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कल के लिए आईटी सेक्टर स्टॉक जो रहेगा हम लोगों का एक फास्ट स्टॉक रहेगा, वो रहेगा इन्फोसिस के अंदर। तो इन्फोसिस के अंदर हम लोग देख लेते हैं एक बार इन्फोसिस का चार्ट। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ किया है, पहले इसको एनालिसिस कर देते उसके बाद मैं इसके लेवल शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ से नीचे सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ था, उसके बाद दोबारा नीचे यहाँ पर ब्रेकआउट सा हुआ और ये चैनल के ऊपरी हिस्सा में इसने रेजिस्टेंस ले लिया। उसके बाद हम लोग देखें कि धीरे धीरे ये नीचे आते जाए और कहीं ना कहीं इस चैनल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो अब ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन ये इसका रेजिस्टेंस है, लास्ट टाइम भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। तो ये डॉटेड लाइन अभी यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जाएगा और उसके ऊपर जाके सस्टेन होगा, यानी कि 1480 के ऊपर जाने से ही बाय नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे 10 मिनट उस लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है तभी हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। तो 10 मिनट देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पेशेंस नहीं रख पाते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। तो लेवल आपको दे दिया, अपने अपने रिस्क कैपिटेट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। सेलिंग लेवल भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले दो स्क्रीनशॉट आ जाएगी, मेरा ऑप्शन प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जहाँ पर मैं ऑप्शन के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन के ऊपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। लाइव मार्केट है कहाँ पर बाय करना है कहाँ पर छोड़ना है, पूरा एकदम हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है उसके अंदर, और वहाँ पर बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट उठा रहे हैं। आज भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया, एवरी डे वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक स्क्रीनशॉट आगे आप देखिए, ये मेरा इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर है, इक्विटी स्टॉक्स जो लोग इंट्राडे में इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं उन लोगों के लिए है, तो इसके अंदर भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर लाइव मार्केट में लेवल्स के साथ, तो यहाँ पर भी आज भी हम लोगों ने प्रॉफिट किया है, देख सकते हैं। तो इसके अंदर 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है, जो भी आपको सही लगता है, ऑप्शन के ऊपर 699, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर 599, जो भी सही लगता है आप मुझे व्हाट्सअप करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते हैं अब हम लोग इसका सेलिंग लेवल, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ये चैनल के ऊपर बार बार सपोर्ट ले रहा है, आज भी यहाँ पर लिया, तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है ये इसका लास्ट जो स्विंग लो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे चला जाएगा तो ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं, यानी कि 1463, तो 1463 के नीचे आएगा तो हम लोग उसके नीचे देखेंगे, 10 मिनट उस लेवल के नीचे सस्टेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस चैनल के नीचे, तो ये लेवल के नीचे आएगा और इसके नीचे सस्टेन हो जाएगा तो हम लोग 10 मिनट देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट सेल करेंगे। जो भी लेवल मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ आप देखिए इसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। एक बात क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता, चार्ट खोल के डिटेल एनालिसिस करने के बाद मेरा लेवल शेयर करता हूँ। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस, ट्रेड करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, कोई फोर्स कुछ भी नहीं है, खुद के रिस्क के ऊपर काम कीजिए। चल पड़ते सेकंड व्यू में, लेकिन उसके पहले कल मैंने जो वीडियो डाला था उसको रिव्यू कर देते। कल मैंने तीन स्टॉक बताया था, पहला स्टॉक जो था हम लोगों का टाटा केमिकल, टाटा केमिकल के अंदर मॉर्निंग में हम लोग ऊपर ओपन हुए लेकिन हम लोगों का जो लेवल था 1126, यहाँ पर आप देखिए मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि सस्टेन होने दीजिए, अब देखिए बार बार इसी एरिया के आसपास 1126 के आसपास क्रॉस करने का कोशिश किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाए, बार बार उसी एरिया के आसपास क्रॉस करने का कोशिश किया लेकिन 1126 के ऊपर क्रॉस उसके ऊपर सस्टेन एक बार भी नहीं हुआ,
उसके बाद वो नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ पर पेशेंस नहीं रख पाते तो यहाँ पर बाई कर लेते तो आपका लॉस होता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नॉट एक्टिव था, इसके अंदर हम लोग का बाइंग सेलिंग कोई भी लेवल एक्टिवेशन नहीं आया था एज पर आवर स्ट्रैटेजी। सेकेंड था बंधन मैन, उसके अंदर हम लोग का एक्टिवेशन हो गया था, आप देख सकते हैं 285 हम लोग का लेवल था। आप देखिए मॉर्निंग में हम लोग ओपन हुई यहाँ पर, यहाँ पर इसने सस्टेन हो गया, उसके बाद देखिए कितना शानदार ऊपर निकल गया, यहाँ तक चला है 296 हम लोगों का डबल टारगेट एक्सीव होने के बाद भी 3% करीब करीब 2% ऊपर गया। ह्यूज प्रॉफिट दिया जिन लोगों ने इसके अंदर बंधन बैंक के अंदर काम किया था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला है बंधन बैंक, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, और थर्ड था UBL, उसके अंदर भी हम लोगों का लेवल एक्टिवेशन नहीं हुआ था। इसके अंदर भी यहाँ पर ऊपर ओपन तो हुआ था ये लेवल के ऊपर, लेकिन देखिए सस्टेन नहीं हुआ था उसके ऊपर, 10 मिनट काम नहीं हुआ था उसके ऊपर, नीचे आ गए वहाँ पर साइडवेज हो गए अब, और ये नॉट एक्टिव था। तो तीनों में से खाली कल जो मैंने दिया था एक ही एक्टिवेशन हुआ था और उसके अंदर जबरदस्त प्रॉफिट आया है। तो ऐसे प्रॉफिटेबल 3 स्टॉक डेली बेसिस पाने के लिए इस बाजार इनसाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मैंने रिव्यू किया इसको अब अगर आपको मैच करवाना है, कल का वीडियो यहाँ पर है, जाइए मेरे वीडियोस के अंदर 8 सितंबर के लिए, ये वीडियो को जाके मैच कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है। तो अब चल पड़ते हैं हम लोग का सेकंड व्यू में, और सेकंड जो व्यू रहेगा कल के लिए वो रहेगा हम लोगों का कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। और ये कोटक बैंक का चार्ट है, आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर चैनल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं हायर हाई लोअर जो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, चैनल का मुंह जो है आप देख सकते हैं स्लैंटिंग ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ था, सॉरी, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस, उसके बाद डॉटेड लाइन के ऊपर बार बार रेजिस्टेंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चैनल को ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, सस्टेन हो जाएगा, तब हम लोग उसको बाय करेंगे 1945 के ऊपर से। तो लेवल मैंने दे दिया 1945 के ऊपर जाएगा, 10 मिनट उसके लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तभी हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। सेलिंग लेवल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सपोर्ट, बार बार सपोर्ट लिया, तो ये जो स्विंग लो बनाया था और चैनल का जो लोअर पार्ट है उसको ब्रेकडाउन करेगा, उसके नीचे सस्टेन हो जाएगा, तो हम लोग वहां से उसको शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि 1922। तो 1922 के नीचे आएगा और 10 मिनट उस लेवल के नीचे सस्टेन हो जाएगा, ट्रेड करेगा, आंखों से देखेंगे उस लेवल के नीचे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। थर्ड एंड फाइनल व्यू में जाने से पहले यहां पर स्क्रीन पे देखिए, आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंट्राडे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर सारे कुछ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है। इंट्राडे कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, इंट्राडे का क्या रूल होना चाहिए, कैसे लॉसेस जो हम लोगों का होता है उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर पाए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर पाए, पूरा एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, स्टॉक सिलेक्शन टू एकदम एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस टारगेट तक पूरा बहुत बढ़िया तरीके से इजीली मैंने वहाँ पर चार्ट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के साथ सिखाया हूँ। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको 5% डिस्काउंट ऑफर भी है, और उसका आप देख सकते हैं मेरे वहाँ पर गेट 5 बोल के एक कूपन कोड भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी है आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और पिन कमेंट में देखिए, फास्ट पेइंग पिन कमेंट सेक्शन के अंदर, फास्ट कमेंट के अंदर ऊपर ही आपको इंट्राडे मास्टर ट्रेडर का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। या तो ये देखिए मेरा एंड्रॉयड ऐप है, इसको भी आप संदीपन चक्रवर्ती नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा, उसको सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे दिया हूँ, या फिर सर्च करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। ये कोर्स को चल पड़ते हैं अब हम लोग फाइनल व्यू में, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, यहाँ पर डेली बेसिस आप लोगों को बहुत मेहनत करके आप लोगों को हेल्प करता हूँ, डेली बेसिस वीडियो डालता हूँ, तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेट कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो का लाइक टारगेट 130 है तो अचीव कर दीजिए, बहुत बढ़िया लगेगा। कॉमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं अभी, पता नहीं आप लोग बिजी हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा कॉमेंट भी करके जाना है मुझे, और बोलना है कैसे लगता है इस कार्यक्रम को, और कुछ भी सजेशन देना है दे सकते हैं, और कैसे लगता है आप बोल सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, जो भी अच्छा है आप लिख सकते हैं वहाँ पर कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो अब चल पड़ते हैं हम लोग फाइनल व्यू में, फाइनल जो व्यू रहेगा हम लोग का कल के लिए वो रहेगा फिर से बैंकिंग सेक्टर स्टॉक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज बहुत बढ़िया तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने एक फ्लैट चैनल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया था इस चैनल के ऊपर, यहाँ पर आज इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, इस हाई को अब ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, सस्टेन होगा, बाय करेंगे जो कि है 545 के ऊपर।
तो 545 के ऊपर जा गया, 544 के आसपास ही चल रहा है, तो 545 के ऊपर जाएगा और 10 मिनट उस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, सस्टेन हो जाएगा, देखेंगे बाय कर लेंगे, ठीक है। और इसका जगह यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर डॉटेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया चैनल के ऊपर, ये डॉटेड लाइन के ऊपर, तो ये डॉटेड लाइन अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 537, तो 537 के नीचे आएगा और उसके नीचे 10 मिनट ट्रेड करेगा, तब हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, नहीं तो अब बाय लेवल आएगा मेरे हिसाब से, कल देख सकते क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल मैंने दे दिया, आपने प्रीवियस का अपडेट को देखी उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। एंड स्क्रीन में मैं दो वीडियो जोड़ रहा हूँ, मैंने जो वीडियो डाला था सैटरडे को, जो 3 ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके देख सकते। और मेरा जो गोल्डन ब्रेकआउट प्रोग्राम है उसका, उसके अंदर क्या क्या मिलता है, 7 से 10 स्टॉक देता हूँ एवरी वीक उस वीडियो के अंदर, तो वो एक प्रोग्राम है, मेंबरशिप प्रोग्राम है, तो उसके अंदर क्या क्या मिलता है उसको लेकर डिटेल वीडियो मैंने दे दिया है, स्क्रीन में जोड़ दिया, तो जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।